हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू द पावर 120 इज डिविजिबल बाय 7। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 की पावर जो 120 है, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाइड मोड में लिख लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा बताना, 3 मल्टीप्लाई 40 लिख सकता हूँ, और देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और पावर 40, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 रेज टू द पावर 40, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 7 रेज टू द पावर 40। ऐसा सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे चेक करना है कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है ये हमारे पास, अब मैं इसको 7 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ और 1 प्लस 7 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है 2 की पावर 120 इक्वल है 1 प्लस 7 की पावर 40 के। तो अब आप क्या करो, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो। तो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूँ तो ये आएगा 40C07 की पावर 0, 40C17 सॉरी 7 की पावर 1, 40C27 की पावर 2, इस तरीके से लास्ट में आएगा 40C47 की पावर 40। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर वैसे सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये तो 1 आएगा। अच्छा, यहाँ से वैसे तो आएगा 7 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे ही आगे भी मैं लास्ट वाले को भी ऐसे ही उतार देता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, लास्ट तक 7। वैसे तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लास्ट तक सबके पास 7 है, मैं इन सब से 7 कॉमन निकाल लेता हूँ। 7 कॉमन निकालने पर यहाँ पर 40 बचेगा, यहाँ पर भी कुछ बचेगा, इसके बाद भी कुछ बचेगा, ऐसे करते करते कुछ ना कुछ बचेगा। तो उन सबका कॉमन नाम मैं के रख लेता हूँ। तो फाइनली मुझे 2 की पावर 120 का जब मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो मुझे मिल गया 7K+1। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब तुमने इसको 7 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया आपके पास K और रिमाइंडर आया 7, सॉरी रिमाइंडर आया 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पूछा था, तो आपके पास अब रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, आपको इसको ऐसी तरीके से करना है। वैसे तो ये यहाँ पर भी हो गया था, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद देखो, 2 की पावर 120 का बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आया, ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, अगला वाला भी डिविजिबल है, अगला वाला भी, सारे के सारे इसके बाद के 7 से डिविजिबल है, इसको छोड़कर। तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।